Pan. इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। नारी में आज हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण विधेयक को लेकर। अभी भी क्या कानूनी पेचीदगियां इसमें बाकी हैं और उन कानूनी पेचीदगियों को कैसे दूर किया जा सकता है? क्या लगता है, राजनीति अभी भी इस पर हो रही है? अभी जो ये आरक्षण बिल आया है, क्या इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश है? अभी अगर गुंजाइश है तो क्या उसे सिर्फ राजनीतिक नाम दे दिया जाए? अगर गुंजाइश है तो उसको खत्म करने के लिए किस तरह की कोशिशें होनी चाहिए? क्या 33% आरक्षण पर यह मांग खत्म हो जाएगी? 50% आरक्षण की हम बात क्यों नहीं कर रहे जब आधी आबादी उसे कहा जाता है? आखिर कहाँ कमी है? क्या महिला शक्ति में वो कमी है, या फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी है, या फिर सामाजिक स्तर पर हम वो सोच अभी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं कि इसे स्वीकार किया जा सके कि महिलाओं को 33 के बजाय 50% आरक्षण दिया जाना चाहिए? कई सवाल हैं। महिला आरक्षण की जब बात होती है तो हम हमारे समाज को इस स्तर पर भी सोचते हैं, हमारे परिवार के स्तर पर भी सोचते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जब हम सोचने लगते हैं राजनीतिक स्तर पर, तब चीजें बिगड़ने लगती हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये भी कारण जानने की कोशिश करेंगे कि इसे राजनीतिक रूप क्यों दिया जा रहा है। क्या वाकई राजनीतिक इसको शक्ल देने की जरूरत है? हमारे साथ जो जन प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं अलग अलग राजनीतिक दलों से, उन सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं सुनीता महावर जी, मनीषा सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, और चंद्रमुखी रेपसवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, महिलाओं का जब भी मुद्दा होता है तो थोड़ा सा सेंसिटिव उस मुद्दे को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से जब देखा जाता है तो इसको ज्यादा छेड़ने की कोशिश नहीं की जाती, लेकिन जब इच्छा शक्ति कहीं कमजोर नजर आती है तो मुझे लगता है कि सारे चश्मों को उतार कर इसे देखा जाना चाहिए। सबसे पहले बीजेपी की जो जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ी है मनीषा जी, आपसे मैं राय जानना चाहूंगा। आपको क्या लगता है 33% आरक्षण को लेकर या महिला आरक्षण को लेकर 33% पर क्या महिलाओं की लड़ाई खत्म हो जाती है या फिर इससे भी लड़ाई अभी आगे जारी रहती है? आपका माइक बंद है, माइक ऑन कीजिएगा। देखिए, सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं जिन्होंने हमें हमारे लिए महिलाओं के लिए सोचा है। ये एक ऐसी ऐसा ऐतिहासिक कदम है जिसके लिए उनको हमें बहुत बहुत आभार करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपने जिस तरह से कहा कि ये राजनीतिक तौर पे अगर देखते हैं तो इसको आप राजनीतिक चश्मे से नहीं देखें, महिलाओं के चश्मे से देखें। महिलाओं की जो जिस तरह से महिलाएं इसको लेकर इसमें तेजी आएगी, जिस तरह से उनको आगे कनेक्शन। आपका आपका माइक फिर बंद हो गया एक बार। आप बोल, शायद कोई तकनीकी खामी आ गई है, इसकी वजह से वो अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। वो वापस आए तब तक लौट, हम कांग्रेस हमारी प्रतिनिधि हैं सुनीता महावर जी, उनसे हम चर्चा करेंगे। सुनीता जी, यही सवाल मेरा आपसे है। देखिए, ये कांग्रेस ये कहती है बार बार कि जो लड़ाई थी वो हमने शुरू की थी और इस लड़ाई को जो क्रेडिट है वो कांग्रेस को मिलना चाहिए और कांग्रेस ने जो शुरुआत की है वो अब जाकर परिणति में पूरी हो पाई है, लेकिन अभी भी कई तरह की चीजें बाकी हैं। क्या लगता है आपको, उन चीजों को कैसे पूरा किया जाता है? कांग्रेस की अभी कोशिशें कितनी कामयाब, कितनी और रहेंगी? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि यह कांग्रेस का ही प्रस्ताव है
कांग्रेस की ही इच्छा शक्ति थी कि 1989 में श्री राजीव गांधी जी ने पंचायत और निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, जिसके फलस्वरूप मैं भी 2004 से लगातार 4 बार यहाँ से पार्षद हूँ, और इसी के फलस्वरूप जगह जगह महिला महापौर की सीट आरक्षित होती है, सरपंच बनती है, प्रधान बनती है, तो महिलाओं ने आगे आकर कहीं ना कहीं अपनी जमीन तैयार करी है। आज इसी की परिणति है कि मैं यहाँ बैठकर आपसे बात कर पा रही हूँ, वरना उसके पहले तो महिलाएं घूंघट में रहती थी, चाहे कितनी भी शिक्षित हो, परंतु यह कांग्रेस की एक प्रयास था, एक इच्छा शक्ति थी कि महिलाओं को आगे लाया जाए, और उसी के फलस्वरूप आज महिलाएं आगे आई हैं, और हम तो लोकसभा में और विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए यह बिल पेश करा था 2010 में। ये बात अलग है कि उसमें हमको पूर्ण समर्थन नहीं मिल पाया, तो ये तो हमारा ही प्रस्ताव था, अगर आप लाए हैं, पास करवा रहे हैं, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, हम धन्यवाद दे रहे हैं, परंतु आपने उसमें भी तो इम्पट लगा दिया, आपकी इच्छा शक्ति तो है ना देने, आप तो कहते हैं उसमें आपने परिसीमन जोड़ दिया, जनगणना जोड़ दी, अगर आपको देने की थी तो आप आज से 8 साल पहले क्यों निकले, पहले लाते, अभी लागू करवाते। सुनीता जी, सुनीता जी, कांग्रेस का सवाल तो है ना, कांग्रेस का सवाल उठता है तो गलत तो नहीं है ना, क्योंकि इतने सालों तक अगर 27 साल का कोई सफर है वो अगर पूरा हो चुका, चाहे कैसे भी पूरा हुआ, इच्छा शक्ति की अगर हम बात करें तो 27 साल का सफर और 9 साल का। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये देखिए, आप कह रहे हैं कि इतने टाइम से पहले, मतलब 2000 तब आप लेकर नहीं आए थे ये बिल, है ना। अभी आप अगर हम देखते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, महिलाएं कितनी कम दिखाई देती हैं हमें, और जिस तरह से देखा जा रहा है हमारे जो मुख्य, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बोलिए। आपका वीडियो नहीं, कोई बात नहीं, वीडियो हो सकता है कोई टेक्निकल इशू, आप लगातार बोलते रहिए, चलिए शायद उनके वहां तकनीकी खामी आ रही है। मैं चंद्रमुखी जी आपके पास आना चाहेंगे। अभी बहुत ज्यादा लंबा इतिहास नहीं है आम आदमी पार्टी का, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे से बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई थी, लेकिन जब हम आम आदमी पार्टी की शुरुआत करते हैं तो इसका जब उद्भव होता है या जब ये पैदा होती है तो जिस मुद्दे को लेकर यह पैदा हुई थी वो महिला से जुड़ा हुआ मुद्दा था, निर्भया वाला मामला था, और उस मामले पर जो भी आंदोलन हुए थे उसमें प्रमुख भूमिका में वो लोग रहे जो आज आम आदमी पार्टी का संचालन कर रहे हैं, तो एक तरह से वो जुड़ाव महिलाओं के मुद्दे को लेकर आपका हो सकता है, लेकिन अब जबकि ये शक्ल ले चुका है, क्या लगता है आपको इसमें किस तरह की कमी नजर आती है? देखिए 50% की और 33% की बात से थोड़ा परे जाकर मैं एक और चीज करना चाहूंगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब महिलाएं, जो महिला प्रतिनिधि जितनी भी संख्या में 11-13% के बीच में महिला जनप्रतिनिधि अभी फिलहाल हमारे सदनों में है, अगर वो खुद आगे बढ़कर इस मामले का पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इसमें अपनी मांग को और पुरजोर तरीके से अपने इस आंकड़े को बढ़ाने को लेकर बात नहीं करेंगी, आपको नहीं लगता कि पार्टी लाइन से हटकर ये मुद्दा एक तरह से है? देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये हमारी बहुत बड़ी विडंबना है, आज जितनी भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो 12% हैं, 14% हैं, उनको कम से कम इस चीज पे आवाज उठानी चाहिए थी। 27 साल पहले जहाँ 33% आरक्षण की बात हो रही थी, 27 साल बाद परिस्थितियां टोटली चेंज हो चुकी हैं, उस टाइम पढ़ी लिखी सशक्त महिलाएं नहीं थी, आज महिलाएं पुरुषों से आगे निकल चुकी हैं, तो पहली बात तो ये है कि महिलाओं को 50% आरक्षण, जब आधी आबादी महिलाएं हैं, 50% वोटर वो रहती हैं, तो वो क्यों नहीं अपना संसद में अधिकार रखती है कि उनको 50% का आरक्षण दिया जाए। दूसरी बात, जैसे बात करते हैं ये जो आरक्षण है, आरक्षण एक महिला आरक्षण नहीं होकर महिला बेवकूफ बनाओ बिल ज्यादा मुझे लगता है। जब 9.5 साल से मोदी जी सत्ता में रहे हैं तो क्यों नहीं इस बिल को पहले पास किया गया, इसको सीधा 10 साल इसमें, आगे इसमें, मेरे, इसमें मेरा एक छोटा सा सवाल, मैं एक चीज छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा, देखिए अगर किसी और बिल को लेकर आते, मान लीजिए 3 तलाक कानून बिल, ये सारे सारे बिल एक साथ तो लाए नहीं जा सकते, 9 साल में जितना भी वक्त है एक एक करके सारे बिल लाए गए, तो जो भी इलेक्शन के आसपास लाया जाएगा उसको लेकर यही आपत्ति करी जाएगी कि अभी क्यों उठाया गया, तो इसको हम मेरे जोड़कर ठीक है एक साथ नहीं लाया जा सकता, लेकिन जब आप रातों रात अचानक पूरे देश में नोटबंदी लगा सकते हैं जिसमें आप मजदूर की, किसान की, व्यापारी की कमर तोड़ सकते हैं, आम जन को सड़कों पे ला सकते हैं, तो महिला बिल को आप 2024 में लागू करने में आपको क्या आपत्ति है? क्यों देखिए महिला बिल 2024 में भी ये आने पाने मनीषा जी एक मिनट रुकिए, मनीषा जी एक मिनट रुकिए, एक बार
चंद्रमुखी की अपनी बात नहीं ले रहा था मनीषा जी चंद्रमुखी जी अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद आप बोलिएगा। एक बार चंद्रमुखी जी अपनी बात पूरी कर ले ताकि सुनाई दे दो उनकी बात। जी चंद्रमुखी जी, भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया महिला विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी है। इन्होंने हमेशा यही कोशिश इनकी रही है वोट बटोरने के लिए कुछ भी है, जुमलों की पार्टी, जुमलों के आधार पे 2014 में आई थी और आज भी इनके जुमले चालू है। ये एक तरह का जुमला ज्यादा लगता है, महिला आरक्षण कम बिल जो है महिला हित में कम लगता है। यदि महिला हितों की बात करते हैं तो कहाँ चले जाते हैं यही वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रतिनिधि। जब हमारी विश्व विजेता जो खिलाड़ी हैं वो इतने दिनों तक सड़कों पे रही। चंद्रमुखी जी एक छोटा सा सवाल मेरा बीच में ऐड करना चाहूंगा। मैं कहता हूँ कानून की बाध्यता क्यों हो इसमें, मैं बताऊं। देश के कई जैसे अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, ये विकसित देश है, इनमें बिना आरक्षण के 50 बिना आरक्षण के 29% तो है आपके अमेरिका में, और यूके में है करीब 35% के आसपास, ये बिना आरक्षण के है। मैं कहता हूं आरक्षण बिल की, आरक्षण कानून की दरकार ही क्यों है, ये मानसिकता में क्यों नहीं है कि उनको इतनी सीटें या इतने टिकट दिए जाने चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। अगर आम आदमी पार्टी को सोच लीजिए, आप अपनी यही पर सोच। वही बात बता रही हूँ, काम यदि आपकी नियत होती है तो आपको बिल पास करने की जरूरत नहीं होती है, आप उनके हितों में काम कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा महिला हितैषी रही है, महिला सशक्तिकरण का उनका हमेशा, चाहे आप एमसीडी की मेयर देख लीजिएगा, चाहे दिल्ली की शिक्षा मंत्री, शिक्षा मॉडल आज विश्व में फेमस है और उसकी जो शिक्षा मंत्री है आतिशी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, महिला को जो फ्रीडम दी है काम करने की। पंजाब का गगनदीप कौर को आप देखिएगा, पर्यटन के लिए उन्होंने जिस तरीके से शुरुआत की, तो महिलाएं जो महिलाएं इच्छा शक्ति रखती है, काम करना चाहती है और काबिलियत है, उनको आम आदमी पार्टी में लगातार मौका दिया जाता है। और इन्होंने जिस तरीके से महिला हितों में काम किए हैं, आप देखते हैं 2012 से पहले जो निर्भय कांड से हमने शुरुआत की थी, निर्भय कांड के पहले जो दिल्ली का नाम था कैपिटल ऑफ रेप जाना जाने लगा था, आम आदमी पार्टी ने आने के बाद सबसे पहले जितने दिल्ली की गली गली में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए, लंदन जैसे स्मार्ट सिटी को भी इन्होंने पीछे कर दिया। ये महिला सुरक्षा के लिए लेकर इन्होंने बसों में मार्शल लगाए, महिलाओं के लिए किराया मुफ्त किया, एक मौका वो नहीं छोड़ते जहां उन्हें महिला हितों की बात करनी हो, दिल खोल के महिलाओं के लिए काम करते हैं। मनीषा जी से आपके सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगी टेक्निकल इश्यूज की वजह से, क्योंकि मुझे मेरी भी आवाज सुनाई दे रही थी। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको सुना आज, आप जिस तरह से आपने कहा कि जो महिला अभी क्यों आया है बिल, सबसे पहले तो ना मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं वो बिल लेके आए हैं, सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा। महिलाओं के लिए सोचना क्यों जरूरी है, क्योंकि महिलाएं अभी जिस तरह से आपने देखा, आप देख सकते हैं, सबसे पहले नहीं सोचा, सबसे आखिर में सोचा। सबसे पहले सोचा था तो 2000 में जब पहली बार, आखिर में अगर उस टाइम सोचा होता, उस टाइम लागू हो जाता तो अब तक ये महिलाओं की स्थिति नहीं रहती। आप ये देखिए ना, जो वो सोचते हैं वही उन्होंने करके दिखाया है। अगर इच्छा शक्ति कांग्रेस की उस समय होती तो शायद ये लागू हो जाता 70 साल। आप ये देखिए ना महिलाओं की जो स्थिति बनी हुई, आप देखिए कि महिला कितनी संख्या में आगे आई है ना। अगर ये देखा है, ये सोचे है, कोई आनंद फानन में नहीं किया है, इसका एक प्रोसेस है, इसको आनंद फानन में अगर ये आनंद फानन नहीं है, अगर ये आनंद फानन में नहीं है तो फिर क्यों सिर्फ एससी एसटी को लेकर इसमें प्रावधान रखा गया। दूसरा सवाल, 15 वर्ष की अवधि के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि 15 साल में ये सारी चीजें हो जाएंगी, वापस कानून क्यों बनाना पड़ेगा 15 साल बाद, इसकी समीक्षा वापस करने की जरूरत क्यों है, क्यों इसे लागू नहीं किया अगर आपको लगता है कि सारी चीजें सही तरीके से देखभाल कर की गई है। उसी को लेकर इसी वजह से तो आपत्ति हो रही है। नहीं, 2024 में लागू हो, ये पुख्ता करने के लिए देखिए, इसमें है कि इसमें जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया जाएगा, उसके बाद में महिलाओं को उसी आधार पर उनको उनकी सीटें आरक्षित की जाएगी ना। और ये दूसरी बात ये है कि आप जिस तरह से चाह रहे हैं कि महिलाओं की बहुत ज्यादा, अगर हम महिलाओं के बारे में अगर सोचा जाए तो देखिए उज्ज्वला योजना देख लीजिए, आज राजस्थान में आप स्थिति देख लीजिए महिलाओं की कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर भी जो जनाधार कार्ड है वो महिलाओं के, महिला मुखिया के लिए जनाधार कार्ड बना हुआ है। यहाँ पर भी चिरंजीवी योजना महिला मुखिया के लिए, महिलाओं को मिल रहे हैं, महिलाओं को मुखिया बनाया ही गया है यहाँ पर भी। और जिस तरह से देखा जा रहा है, आप ये देखिए उज्ज्वला योजनाएं हो गई हमारी, और जिस तरह से जो योजनाएं हैं, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलती जाए लगातार, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। जिस तरह से आपको, चलिए शायद वहां कोई तकनीकी खामी है। सुनीता जी आप कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मैं बस इसमें एक चीज ऐड और करना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि विधायक भी बन गए या फिर सांसद भी बन गए,
या फिर जैसा मेरा चंद्रमुखी जी से सवाल था कि क्यों हम कानून को ये माने कि कानून का डंडा जब चलेगा, कानून बनेगा तभी जाकर महिलाओं को उतनी भागीदारी दी जाएगी। चलिए ठीक है, विधायक भी बन गई, सांसद भी बन गई कानून के डर से, लेकिन उसके बाद क्या उन्हें कैबिनेट में भी उसी प्रतिशत में भागीदारी दी जानी चाहिए? ये सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि अभी तक कैबिनेट में उतनी भागीदारी नजर नहीं आई है। दूसरी बात, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, मैं कांग्रेस को भी इसमें इसलिए शामिल कर रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर तो एक महिला जो प्रतिनिधि थी उन्होंने उनका जो दल है कांग्रेस उसका नेतृत्व कर लिया, लेकिन आप मुझे बता दें पूरे देश में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर कोई महिला मुखिया रही है, प्रदेश अध्यक्ष रही है कांग्रेस की? आपको नहीं लगता कि ये दो सवाल ऐसे हैं कि हम कानून के डर से करें, उससे बढ़िया है कि हम हमारे राजनीतिक सोच का ऐसे हिस्सा बनाएं कि महिलाओं को वो प्रतिनिधित्व देना है और महिलाएं जो भी हैं उस जनप्रतिनिधि जो भी उस पार्टी में है वो खुद आगे बढ़कर अपना हक लें? नहीं, देखिए जो समाज की एक सोच है, पुरुष प्रधान समाज है और हमेशा से उनकी यही एक मानसिकता होती है कि महिलाओं को घर की चौखट के अंदर रखा जाए। जब एक आरक्षण हो जाता है, जब सीट घोषित हो जाती है महिला, तो मजबूरन राजनीतिक पार्टियों को महिलाओं को टिकट देना पड़ता है। यही तो कह रहा हूँ, राजनीतिक पार्टियों को कानून के दायरे में आने पर ही क्यों टिकट देना पड़ता है? क्यों उनको घर से बाहर निकालने के लिए ये कोशिश नहीं की जाती कि कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए आरक्षण नहीं है तो लीजिए टिकट हम देंगे ही महिलाओं को, 33% हमको महिलाओं। बात भी होती है, जितने भी चिंतन शिविर होते हैं राजनीतिक दलों के, जितने भी शिविर होते हैं, मीटिंग्स होती है, उन सब में बात कही जाती है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन पास आता है एक ही बात आ जाती है, जिताऊ और टिकाऊ, सारी चीजें किनारे कर दी जाती है। बिल्कुल, ये बेशक आप अगर किसी खेल के मैदान में भी उतरते हैं तो हर टीम जीतने के लिए उतरती है, तो चुनाव में भी उतरते हैं, स्वाभाविक है कि जीतने के लिए भी उतरते हैं, तो पार्टियां भी टिकट देगी, तो उनकी पहली शर्त और अनिवार्यता यही होगी कि जिताओ और टिकाओ। जो जीतने के बाद पार्टी छोड़ के चला जाए तो कोई मतलब नहीं है ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, टिकट देने का, और जो जीतने की संभावना ही नहीं रखता है उसको टिकट देना भी क्यों उचित होगा? तो ये तो कहीं गलत नहीं है, जिताओ और टिकाओ ये बात अवश्य है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। और जैसा इन्होंने बताया मनीषा जी ने, राजस्थान में तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी योजनाएं बनाई है, राहत की और घोषणाएं करी, उन सब में महिला मुख्य केंद्र बिंदु है। हर योजना जन आधार से प्रारंभ हो रही है और जन आधार में महिला मुखिया है, तो उन्होंने तो जो भी योजना बनाई। अब आप कहते हैं उज्ज्वला, उज्ज्वला में तो आपने एक बार गैस दिया, सिलेंडर इतना महंगा कर दिया कि सिलेंडर एक तरफ रख गया और सब लोग महिलाएं भी चूल्हे में लकड़ियां जला के खाना बना रही है। ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने गरीबों के लिए सिलेंडर 500 रुपए में कर दिया है, उन्होंने महिलाओं के दर्द को समझा, इसलिए उन्होंने महिलाओं को इसमें बजट में राहत दी, 500 का सिलेंडर दिया, इलाज में सुविधा दी। तो हमने जो घोषणाएं करी वो चुनावी नहीं है, उनको बाकायदा गारंटी देके वो सब है ना हकीकत के धरातल पर आ गई, लोग बाग उसका फायदा ले रहे हैं। आप जो महिलाओं का ला रहे हो आरक्षण, तो उसको कह रहे हो परिसीमा ना, जनगणना, जनगणना 2021 होना थी उसको आपने 2023 तक भी चालू नहीं हुई, जनगणना की बात परिसीमन, तो ये तो केवल चुनावी घोषणा है, आप देना ही नहीं चाह रहे। आपने अभी कब दिया? आप अभी देते हैं। अगर पहले हम नहीं पास करा पाए तो क्योंकि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था, मोदी जी के पास तो 2014 से पूर्ण बहुमत है, तब से महिलाओं की क्यों नहीं? जब मणिपुर में महिलाओं की घटना होती है तब मोदी जी को वहां बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं मिलते, जब महिला पहलवान अपने हक के लिए अपनी उसके लिए बात करती तो ये कहीं ध्यान नहीं देते, तब महिलाओं के साथ इतने अत्याचार होते हैं तो कहीं ध्यान नहीं जाता। आप राजस्थान में देखिए महिला को हर जगह, उसको हर जगह प्रमुखता के साथ किया जा रहा है। जी चलिए हमारे साथ, चलिए मनीषा जी आप अपना अनम्यूट करें, माइक को अनम्यूट कीजिए, मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। ये कहा जा रहा है कि 2014 में जब चुनाव हुए थे और 2019 के इलेक्शन आने वाले थे तब दूसरा मौका मांगा था मोदी जी ने, ठीक है, उन्होंने कहा था कि मुझे दूसरा मौका दीजिए, कुछ अधूरे कामों ने पूरा करना है वरना मुझे सड़क पर ये कर देना, चौराहे पर ये कर देना, कई तरह की चीजें थी। फिर इसके बाद अब ये कहा जा रहा है महिला आरक्षण बिल इसलिए लास्ट में लाया जा रहा है ताकि वो वापस 2029 के लिए अपने आप को तैयार कर सके और ये कहें कि मुझे एक बार और मौका दीजिए, तीसरा टेनर, तीसरा उनको टर्न दीजिए, ताकि जो परिसीमन और जो सारी चीजें हैं उनको वो खुद आगे बढ़ के जल्दी से जल्दी पूरा करें अपने कार्यकाल में, क्योंकि अगर सरकार बदल गई तो ये इसको पूरा नहीं होने दिया जाएगा। क्या इसे ये नहीं कहा जाए कि तीसरी बार वापस आने के लिए एक वापस और जुमला छोड़ा गया है? शायद वापस डिस्कनेक्ट हो गई है हमारे साथ, तकनीकी खामी के
सिस्टम में नजर आ रही है। खैर चंद्रमुखी जी, आम आदमी पार्टी अब राजस्थान को लेकर अपनी कोशिशें कर रही है, दूसरे राज्यों में भी जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जाहिर सी बात है जब केंद्र कानून बनाएगा तो उसकी पालना बाकी राज्यों में भी होगी, राज्य की जो विधान परिषद हैं, विधान सभाएं हैं, उन पर भी इसका अमल होगा। लेकिन पार्टी के अंदरूनी स्तर पर आपको लगता है कि किसी तरह की कोई आवाज उठाने की अभी गुंजाइश बाकी है, या फिर लग रहा है कि राजनीतिक जो मुखिया हैं, राजनीतिक दलों के जो मुखिया हैं, वो अभी यही देख रहे हैं कि देखते हैं सेंट्रल की तरफ से क्या निर्णय आता है, उसके बाद करेंगे कोशिश लागू करने की, अपने जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं। अनम्यूट कीजिए, आपका माइक बंद है। जिसकी नियत होगी महिलाओं को आगे बढ़ाने की, सशक्तिकरण की, वो कभी भी आरक्षण बिल का इंतजार नहीं करेंगे। जो अच्छी महिलाएं हैं उनको जरूर वो मौका देंगे, यदि उनकी नियत साफ है तो जरूर उनको मौका देंगे। लेकिन आपत्ति जहां आ रही है वो मुझे ये लगता है कि अपने देश में जो राजनीतिक माहौल का गिरता हुआ स्तर है, अच्छी समझदार महिलाएं जो एक गिरते हुए स्तर की जो राजनीति है उसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती, तो जिस संख्या में महिलाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए वो नहीं आ पा रही है। तो सबसे पहले हमें हमारे स्तर को सुधारना चाहिए, जहां भी देखो काम की और मुद्दों की बात नहीं हो के एक दूसरे को टांग खिंचाई या अब सब कहना है, जिस तरह का आज के दिन अपने देश में माहौल बना हुआ है, एक गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए सुनने में आता है, आज उस दल के नेता को मार दिया गया, आज यहाँ ये हो गया, तो महिलाएं ऐसी चीजों से थोड़ा सा दूरी बना के रखती हैं। तो मेन रीजन तो यही है, मुझे लगता है कि राजनीतिक माहौल को थोड़ा साफ सुथरा करने की जरूरत है। तो राजनीतिक साफ सुथरा कौन करेगा? देखिये राजनीतिक माहौल का मैं आपको दो तीन देशों के नाम गिनाता हूँ, आप जब भी मैं उन देशों के नाम गिनाऊंगा ना तो आपको वहां के माहौल याद आएंगे। वहां पर जैसे आपने गृह युद्ध के हालात की बात की और वहां पर पढ़ाई के लिखाई के स्तर की बात करें, महिलाओं की सोच के स्तर को, आपको लगेगा कि भारत से बहुत पिछड़े हुए हैं। युगांडा रवांडा, क्यूबा हो गया, निकारागुआ हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया। मैं इन देशों के नाम जब लेता हूं तो आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये तो बहुत पिछड़े हुए देश है, वहां पर महिलाओं को लेकर बहुत कई तरह की गलत चीजें होती है। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि जो वहां पर महिला जनप्रतिनिधियों के जो आंकड़े हैं ना वहां पर, वो भारत से कहीं ज्यादा है, 50% के आसपास तक पहुंचते हैं, 50% से ऊपर पहुंचते हैं कई देशों में। रवांडा में 60% पहुंचते हैं, मेरे पास आंकड़े हैं, क्यूबा में 53% पहुंचते हैं, निकारागुआ में 52% पहुंचते हैं, और पाकिस्तान बांग्लादेश जिसको हम बार बार राजनीतिक जो भी बयानबाजी होती है उसका हिस्सा बनाते हैं, वहां पर इंडिया से ज्यादा है, इंडिया में 11-12% के आसपास है, वहां पर 15-17% के आसपास है बिना किसी कानून के। तो ये इच्छा शक्ति पूर्णतया सहमत हूँ, और यहाँ पे जैसे हम पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे आंकड़े देखते हैं और वहां लगता है कि भारत अपने आप को विश्व गुरु की श्रेणी में रखते हैं और वहां महिलाएं हैं कि 13-14% भी नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखद विषय है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मैं मानती हूँ कि जो गलती है हमारे जो महिला जनप्रतिनिधि आज जो संसद में बैठी हुई है, इवन वो अपने मुद्दों पे सवाल नहीं उठाती है। मणिपुर जैसी घटना हुई लेकिन एक भी महिला सांसद ने क्या इस पे कोई बयान दिया? हमारे जो पहलवान महिलाएं थी क्या उनके समर्थन में एक भी आई? कहीं भी इस तरह का कुछ नहीं होता। यूपी में हाथरस जैसी घटनाएं हो गई, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो गलती मैं मानती हूँ हमारे जो चुनी हुई महिला प्रतिनिधि हैं उनको ये आवाज उठानी चाहिए, और बाकी और महिलाएं हैं उनको भी अपने हक और कानून के लिए जो जागरूकता जो होनी चाहिए, उनको शिक्षा का स्तर जितना जितना बढ़ेगा अपने हक के लिए जितनी जागरूक होंगी तब तक उनको समझ में आएगी। लेकिन हमारी सामाजिक हालात ऐसे हैं, जब ये सुनीता जी ने बताया कि महिलाएं चार दीवारों में चूके चूल्हे चौके से निजात नहीं पा सकती है, सुबह उठने से लेकर रात भर तक का टाइम उनका जैसे तैसे करके वो सारा अपना निपटारे में ही पूरा निकल जाता है। तो इस तरह की सोच और एक माहौल पुरुष प्रधान जो हमारे बना है, महिलाएं राजनीति की बात करना उनको ये लगता है कि आपका जायज सवाल है, आपका सवाल जायज है। मैं मनीषा जी तक पहुंचाता हूँ। मनीषा जी आप सुन पा रही है मेरी आवाज? अपना माइक का म्यूट हटाइए, अनम्यूट कीजिए। चंद्रमुखी जी का सवाल ये था, उनका ये कहना था कि कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं, जब महिलाओं के मुद्दों की बात आती है तो राजनीतिक स्तर से ऊपर उठकर, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बात की जानी चाहिए। उन्होंने मणिपुर की घटना का जिक्र किया, उन्होंने उत्तर प्रदेश की घटनाओं का जिक्र किया। आप क्या इससे इत्तेफाक रखती हैं कि यहाँ पर हमें पार्टी का नहीं सोचना चाहिए, पार्टी क्या इस पर स्टैंड लेती है वो अलग बात है, लेकिन जब महिलाओं की बात है तो कम से कम महिला की तरह सोचा जाए? सॉरी आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। मेरा ये सवाल था कि जब महिलाओं के मुद्दों को लेकर बात आती है आपको नहीं लगता कि पार्टी स्तर से ऊपर उठकर इस बारे में सोचा जाना चाहिए, कुछ चीजें गिनवाई?
चंद्रमुखी जी ने कुछ चीजें गिनवाई, मणिपुर को लेकर उन्होंने गिनवाया कि एक भी महिला जनप्रतिनिधि बीजेपी की उन्होंने आवाज नहीं उठाई। अभी चंद्रमुखी जी ने खुद ने ही कहा कि जितना मैं उनको सुन पाई थी, उन्होंने खुद ने कहा कि सामाजिक स्तर पे बहुत ज्यादा जरूरतें हैं महिलाएं, और सरोजी ने भी कहा कि महिलाएं अभी उभर कर नहीं आ पाती हैं, तो उनको आरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी आपका सवाल था कि महिलाओं के लिए, जी शायद तकनीकी खामी बार बार उनसे हमारा संपर्क तोड़ रही है, इसलिए बात वो भी पूरी नहीं कर पा रही है। खैर सुनीता मावर जी, समय कम है, बस लास्ट आपसे जिक्र करना चाहूंगा। जी जी मनीषा, महिलाओं को बहुत ज्यादा आप सुन पा रहे हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए सुनीता जी, आपसे सवाल मेरा। अभी चूंकि विपक्ष में एक बहुत बड़ा गठबंधन तैयार करने की कोशिश है कुछ राजनीतिक दलों की, इंडिया उसकी शक्ल दी गई है। इंडिया में ये अपने पार्टी स्तर पर तो अलग बात है, लेकिन जब सीटों का बंटवारा होगा या फिर सीटों पर जो भी सहमति बनेगी, आपको लगता है कि वहां पर भी ये मांग उठाई जानी चाहिए, सीटों की सहमति जब हो तो जितनी भी सीटें मांगी जा रही हैं किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से, वहां पर 50 तो खैर छोड़िए, मुझे नहीं लगता ये बात पूरी हो पाएगी, लेकिन 33% की मांग आप भी वहां पर उठाएंगे कि सभी राजनीतिक दल जितने भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं वो इसको भी प्राथमिकता में रखें? सभी समस्त बहनों से यही अपील रहेगी कि महिलाओं को यह संकल्प लेना चाहिए कि जो भी पार्टी 33% टिकट अगर नहीं देती है, अभी भी जब अभी चाहे आरक्षण बिल पास नहीं हुआ है, परंतु पार्टियों को अभी से लाइन पर चलने की आवश्यकता है, और जो भी पार्टी अगर 33% आरक्षण नहीं देती है, उन पार्टियों को दरकिनार करना चाहिए। हमें महिला शक्ति, नारी शक्ति के रूप में एकजुट होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि बिल काले आरक्षण दिया, मतलब लगातार कई खामियां रख रहे हैं, तो हमें तो नारी शक्ति को एकजुट होकर उसी पार्टी का साथ देना चाहिए जो चाहे आरक्षण पास नहीं हो, परंतु आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव में जहां भी जिस स्टेट में भी हो, महिलाओं को कम से कम 33% सीट अवश्य वो प्रत्याशी बनाए। यह महिला जो भी बहन है सभी को मैं कहूंगी, नहीं बनाते तो क्या आप ये पहल करेंगे कि चलो महिलाओं की एक अलग से राजनीतिक पार्टी बना लिया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी? सभी हमारी सब बहनें, अगर सब बहनें चाहेंगी तो वह कितने दूर नहीं जब महिलाओं की एक अलग पार्टी बन जाएगी। अगर राजनीतिक पार्टियां अभी भी नहीं जागी और महिलाओं को संगठन में और चुनाव में बराबर नहीं प्रतिनिधित्व दिया, तो एक दिन यह भी आएगा कि महिलाएं जागरूक होकर, क्योंकि अब महिला शिक्षित है, वो निकल चुकी है घर से बाहर, चाहे वो कांग्रेस की बदौलत थी, क्योंकि कांग्रेस जो आरक्षण दिया उसकी बदौलत थी, आज वो हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, मजबूती से करा रही है, वो बराबर हर चीज से टकराने के लिए सक्षम है। तो महिलाओं को चाहिए कि पार्टियों पे दबाव बनाए कि आपको आवश्यक है कि 33% संगठन और 33% ही जो भी चुनाव हो उसमें भागीदारी सुनिश्चित। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक कोई जनप्रतिनिधि या फिर जैसे राष्ट्रपति महिला बन गई तो हमने एक बार ये कोई स्थापित कर दिया, ये उदाहरण स्थापित कर दिया, ठीक है उदाहरण हो सकता है, लेकिन ये सिलसिला आगे कब तक जारी रखा जाए और इस प्रतिनिधित्व को अगले निचले पायदानों पर कितना बढ़ाया जाए? सिर्फ एक मुखिया बनाने से हम ये संतुष्ट नहीं करते कि महिला मुखिया है तो चलिए ठीक है, हमने हमारा महिलाओं को लेकर जो हमारा हमारी सोच थी उसको हम ये जताने की कोशिश करें कि महिलाओं को हम प्राथमिकता देते हैं, उसके अलावा और भी कई स्तरों पर बात होनी चाहिए। और ये तब है जब 2019 के मैं आंकड़े दे रहा हूं, 2019 के आंकड़ों में 47 करोड़ जो है वो पुरुष मतदाता हैं और करीब उनसे थोड़ा सा ज्यादा, कुछ लाख ज्यादा महिला मतदाता हैं। इसके बावजूद अगर हमें लगता है कि आधी आधी हिस्सेदारी होने के बावजूद महिलाओं को वो हिस्सेदारी नहीं मिलती है, तो राजनीतिक स्तर पर तो सोच हो ही रही है, लेकिन महिलाओं को भी अपने स्तर पर को सोचना चाहिए, समाज के स्तर पर भी कुछ विचार होने चाहिए, परिवार के स्तर पर भी कुछ विचार होने चाहिए, मानसिकता जो संकुचित हो चुकी है उसको थोड़ा सा और खोलने की जरूरत है, उदाहरण देने की जरूरत है उन देशों से जिनको हम वैसे तो पिछड़ा समझते हैं लेकिन वो हमें चुनौती दे रहे हैं महिला आरक्षण में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास विषय पर जुड़ने के लिए। नमस्कार।